हाँ भाई, अरे क्या सोचा? ओ समझ नहीं आ रहा। अरे लड़के, ये फैसले दिमाग से नहीं किए जाते, दिल से किए जाते हैं। थैंक यू शाद पापा। किस लिए? अरे वो आपने जोया के साथ अकेले मिलने की सेटिंग जो बना दी थी। ये बात वो ही जानता है जिसने खुद कभी इश्क किया हो। हाय हाय हाय, लेकिन वो साथ बॉडीगार्ड को भेजना जरूरी था, बिल्लू को। समझा करो, सेटिंग भी बनानी पड़ती है। अच्छा अंदर सब तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से फैसला सुनाओ ताकि बात आगे बढ़े। थोड़ा टाइम चाहिए। 5 मिनट ले लो। थैंक यू जी, आपकी 5 मिनट फुर्सत। पुत्र क्या बना? अब बताओ क्या बात कर रहा था? कौन? ओ कुछ खास नहीं। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अजीब सा था, बेजार लग रहा था। मुझे तो लग रहा है कि घर वाले जबरदस्ती रिश्ता करवाने लाए हैं। हाँ हाँ, मैंने जब बोला कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लग गया। देख लेना, मैं बता रही हूँ, इनकार कर देगा। नहीं नहीं उसके घर वाले तो बहुत खुश लग रहे थे। लड़का तो खुश नहीं था ना, मुझसे बात करने के बजाय लॉन में चील कब्बों को देख रहा था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, देख लेना, इनकार कर देगा। मुझे लड़की पसंद आ गई। लड़की पसंद आ गई? लड़की पसंद आ गई मुझे, लड़की पसंद आ गई। ये लेके हाय हाय हाय, मेरा क्यूट तो है, लड़की पसंद आ गई। मैं आ रहा था। आयशा जोया, मुबारक हो, लड़के वालों ने हाँ कर दी। क्या ताना बाना मोहब्बत का बनते रहे।